सुनो 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 सुनो, अब आ गया है दो टोकन वाला लूडो फैंटेसी, जल्दी खेलो। क्या बात है, अरे फोन निकालो और डाउनलोड करो, अभी नहीं किया तो कब किया। प्लेयर्स इंतजार कर रहे हैं। वाह, अपना नया मेड इन इंडिया स्टाइल वाला लूडो फैंटेसी। इरफान, पहले तो इस नाम को तसल्ली से पुकार लेते हैं, इरफान खान। अब आगे बढ़ते हैं। दिवंगत अभिनेता इरफान की आखिरी फिल्म का ट्रेलर आ गया है। कहने में अब भी कितना सालता है ना, आखिरी फिल्म। खैर, फिल्म का नाम है डूब नो बेड ऑफ रोजेस। मूवी नेटफ्लिक्स इंडिया पर स्ट्रीम हो रही है, यूट्यूब पर इसका ट्रेलर है। आइए आपको इस ट्रेलर के 5 खास पॉइंट्स के बारे में बताते हैं। ट्रेलर बंगाली भाषा में है। ये भारत बांग्लादेश की एक को प्रोडक्शन ड्रामा फिल्म है। डायरेक्टर हैं मुस्तफा सरवर फारूकी। इरफान के अलावा नुसरत इमरोज तिशा और पार्नो मेहता भी इस फिल्म में हैं। फिल्म बेसिकली रिश्तों और जिंदगी के कॉम्प्लेक्स नेचर के इर्द गिर्द बुनी गई है, जिसमें दो परिवारों की कहानी जान पड़ रही है। इन्हीं में से एक परिवार इरफान का है। जावेद नाम का किरदार कर रहे हैं इरफान, जिसकी बीवी बच्चों से बनती नहीं है। अब बात फिल्म की थीम की। डेथ सोड अ न्यू सीड ऑफ लव। ट्रेलर में एक जगह ये लाइन आती है, यही फिल्म का मूल है, कि मौत यूं तो एकाधिक लोगों के लिए काफी कुछ खत्म कर देती है, लेकिन क्या यहाँ से किसी की जिंदगी में कोई नई शुरुआत भी हो सकती है। इस लाइन को रिश्तों के बीच पिरोकर पेश किया जा रहा है। फिल्म 2017 से बनकर तैयार है और उसे जबरदस्त रिसेप्शन भी मिला है। अब ये भारत में रिलीज हो रही है। साल 2018 में तो फिल्म बांग्लादेश की तरफ से एकेडमी अवार्ड्स यानी कि ऑस्कर में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में ऑफिशियली एंट्री भी ले चुकी है। इसके अलावा शंघाई फिल्म फेस्टिवल, मास्को फिल्म फेस्टिवल में भी फिल्म को सराहा गया है। फिल्म को लेकर साल 2017 में बांग्लादेश में विवाद भी हुआ था। वहां के सूचना मंत्रालय ने फिल्म का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रोक लिया था। दरअसल ये बात आई थी कि फिल्म बांग्लादेश के दिवंगत लेखक और फिल्म निर्माता हुमायूं अहमद के जीवन पर आधारित है। हुमायूं की पत्नी ने इसकी शिकायत की और फिल्म अटक गई। हालांकि बाद में विवाद सुलझा और फिल्म रिलीज हुई। ट्रेलर में इरफान को देखकर दिल को सुकून भी मिलता है और रुलाई भी फूटती है। एक सीन में इरफान रुंधे गले से अपने बेटे को फोन करते दिख रहे हैं, वहीं एक सीन में लाचारगी में घर में अकेले खड़े और एक सीन में किसी को पुकारते हुए। और ऐसे ही हर सीन में जब इरफान स्क्रीन पर आते हैं बेहतरीन लगते हैं। यकीनन इरफान की मौजूदगी के नाते डूब एक खास फिल्म है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अभिषेक ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सिनेमा से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया।